ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये किसी रैली की नहीं बल्कि भाजपा कंपेन कमेटी के चेयरमैन अवनाश राय खन्ना की पठानकोट में हो रही वर्कर्स मीटिंग की है। इस मीटिंग में तब हंगामा होना शुरू हो गया जब कुछ भाजपा के वर्करों द्वारा पठानकोट के भुआ से विधायक सीमा देवी की टिकट काटे जाने की मांग की गई, जिस दौरान सीमा देवी के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। एक तरफ वर्कर सीमा देवी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे तो दूसरी तरफ सीमा देवी के समर्थकों ने भी सीमा देवी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। अविनाश राय खन्ना वर्करों को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए नजर आए, परंतु गुस्साए वर्करों ने खन्ना की एक ना सुनी और लगातार कुर्सियों से खड़े होकर नारेबाजी करते रहे। पठानकोट से अवतार सिंह के साथ संजय सैनिक, बीपीटी न्यूज। पंजाब का मैं कैंपेन कमेटी का चेयरमैन हूँ, उस नाते सारे पंजाब का मैं विजिट कर रहा हूँ और ये 15वीं सीट है जहाँ मैं विजिट करने आया हूँ। पिछले 3 दिन से मैं पंजाब के प्रवास पर, उसका मेन मकसद है कि हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, सारे कैडर को एक बार सेंसिटाइज करके कि हम चुनाव अब आगे हैं, हमें हर तन धन मन से उसमें लगना पड़ेगा और पार्टी को विजय दिलाने के लिए हम सबको काम करना पड़ेगा। और सेकंडली जितनी भी हमारी नेशनल और स्टेट लेवल की उपलब्धियाँ हैं, लोकल उपलब्धियाँ हैं, उनके बारे में भी कार्यकर्ता के ध्यान में सारी बात को लाना, ताकि जब वोट मांगने जाएं तो उनके पास एक वोट मांगने का सॉलिड कारण हो कि हमारे विधायक ने, हमारी सरकार ने ये काम किया है, तो इसलिए हम लोग उनको बताने का। आपको नहीं लगता कि सीट जो है वो लेट डिसाइड करने का कोई नुकसान हो सकता है? नहीं, देखिए सीट हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है, हमें कैंडिडेट देने की है, लेकिन हम काम पे लगे हुए, हमारा काम तो 24/7 और 365 दिन चलता है, तो कैडर के इस पार्टी में कैंडिडेट कब अनाउंस होना, किसको करना, ये पार्टी का काम है और कार्यकर्ता काम है, जिसको काम दिया था वो करना है, इसलिए हमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला और जल्दी वैसे हम लोग इसको अनाउंस करने वाले हैं। सर, जो हारी हुई सीटें हैं भाजपा की पंजाब में, 23 में से जो हारे हुए कैंडिडेट्स हैं उनकी सीट जो है वो रिशफल करने की कोई कवायद जो है वो चल रही है भाजपा में? देखिए किस क्या होना है ये तो पार्लियामेंट बोर्ड बताएगा, लेकिन हमारा एक सिस्टम है पार्टी का, उसको हमने अडॉप्ट किया है। हमने सब जगह जाके पहले कार्यकर्ताओं को, हमारे जो चुनाव के प्रभारी हैं तोमर जी और देश के प्रभारी प्रभात झा जी, उनकी टीम ने सभी कार्यकर्ताओं को सुना, एक स्तर बनाया था, उनको सुनने के बाद कौन कौन सा कैंडिडेट जीत सकता है उसकी लिस्ट बनाकर फिर एक इलेक्शन कमेटी होती है हमारी पंजाब की, उसमें डिस्कस हुआ। इलेक्शन कमेटी ने डिस्कस करने के बाद फिर वो पार्लियामेंट बोर्ड में हमारे अध्यक्ष उस बात को रखेंगे, तो पार्लियामेंट बोर्ड फैसला करेगा। सर, स्टार कंपेनर जो है वो उतारने के बारे में आपको क्या कहना चाहिए, क्योंकि आप खुद एक कंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, सनी देओल को उतारने की बातें हो रही हैं और भी कई। भाजपा का बूथ का कार्यकर्ता ही हमेशा स्टार कंपेनर है। कौन कौन से स्टार कंपेनर हैं? भाजपा का बूथ का कार्यकर्ता ही उसका स्टार कंपेनर होता है। अच्छा जी, ठीक है।